धरावत विकास के द्वारा यह बैठक धरावत को प्रखंड बनाने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन क्षेत्र घोषित करवाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 242 नए प्रखंडों को निर्माण करने की घोषणा की है, जिसमें जहानाबाद जिले में 4 नए प्रखंड का निर्माण होना है। धरावत विकास मंच के द्वारा यह जो आज बैठक की गई है, इस बैठक का मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि धरावत प्रखंड बनने की सभी अहर्ताओं को पूरा करता है। 15 मुख्य बिंदुओं को मुख्यमंत्री ने अवगत कराया है लोगों को, उसमें क्षेत्रफल, जनसंख्या और मूलभूत बुनियादी सुविधाओं पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है जनताओं को। जहानाबाद में मखदुमपुर सबसे बड़ा प्रखंड है, इसमें 22 पंचायत पहले से है। इस 22 पंचायत में जितने भी और पंचायत है उसकी दूरी मखदुमपुर मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। धराउत जो मुख्यालय के रूप में प्रखंड की निर्माण की मांग कर रहे हैं हम लोग, इसके इर्द गिर्द कुल 8 पंचायत मिलाकर हमारे यहाँ 50,000 की आबादी इस क्षेत्र में होती है। अगर धराउत को प्रखंड बना दिया जाता है तो अन्य पंचायतों की दूरी महज 5 से 10 किलोमीटर रह जाएगी। हमारी सब जनता की मांग है नीतीश सरकार से कि नीतीश सरकार में हम लोग के ग्राम में एक प्रखंड बनाया जाए। बहुत घनी आबादी वाली बस्ती है, हम लोग के प्रखंड में जाने आने के लिए बहुत असुविधा भी, बहुत दूर जाना पड़ता है और 5-6 मील की दूरी पर प्रखंड पड़ता है। यह बुनियादी सुविधा में विद्यालय, अस्पताल, पेयजल, नव निर्मित पावर ग्रिड के साथ ही यातायात, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट बैंक इत्यादि वो सब कुछ है जो प्रखंड लिए चाहिए। इसलिए इस जिले में धरावत को प्रखंड बनाना सबसे जरूरी है। मैं आशा, प्रखंड मखदुमपुर, जिला जहानाबाद, इंडिया अनहट के लिए।